आपको रामपथ मार्ग पर देखने को मिलेगी। तो ये धर्मपथ मार्ग का व्यू धर्म से रिलेटेड आपको यहाँ पर शटरों में एक तरह के दीवार पर डिजाइन बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं, एक छोटा छोटा, उसके बाद जो है इसको बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी समय लगा इसको बनाने में, लेकिन सबसे पहले ये धर्म पथ मार्ग है जो कि यहाँ से एंट्री करेंगे तो आप लता मंगेशकर चौक चले जाएंगे। कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है सूर्यदेव को सात घोड़ों के साथ विराजमान किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 10 सूर्य स्तंभ इस साइड लगाया गया है और 10 सूर्य स्तंभ इस साइड लगाया गया है, यानी कि 20 सूर्य स्तंभ से इस धर्मपथ मार्ग को एंट्री पॉइंट को सजाया गया है और राम स्तंभ बना हुआ है। ऐसे अनेकों प्रकार की अयोध्या में तैयारियां की जा रही है। तो अब और यहां से जब थोड़ा आप एंट्री करेंगे यहां से फुटपाथ शुरू हो जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे रामायणकालीन चित्र सुंदर तरीके से बनाई गई हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। और आगे मैं आपको दिखाऊँगा और कि किस तरीका से राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन को लेकर के अयोध्या में तैयारियां की जा रही है अनेकों प्रकार का, ये आप देख सकते हैं। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, वहाँ धर्मपथ मार्ग से थोड़ा हम आगे आए हैं इस पर, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक एक टाइल्स को लगाकर इस चित्र को बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। यानी कि एक एक टाइल्स अलग अलग है, उसके बाद इसको बनाया गया है, उसके बाद इसको पूरा बनने के बाद जो है इसको कंप्लीट किया गया है काफ़ी सुंदर तरीके से, ये आप देख सकते हैं। और इसी के उस साइड में आपको कि वहाँ पर भी एक बनाया गया है, तो वहाँ पर मैं भी आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ एक चित्र आपको दिखाता हूँ कि ये उस समय का दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है जब प्रभु श्री राम जी लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, तो उस समय पहले शिव जी का पूजा किए थे तो उसी समय का, और ये एक एक टाइल मानी कि एक एक टुकड़ा उसको सेट किया गया है, उसके बाद इसको बनाया गया है, और उसके बाद बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है ये आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ा पास से आपको दिखाता हूँ कि एक एक ये अलग अलग है, एक छोटा छोटा, उसके बाद जो है इसको बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। काफ़ी समय लगा इसको बनाने में, लेकिन बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। अयोध्या में अनेकों प्रकार की तैयारियां की जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, और ये धर्मपथ मार्ग है जो अयोध्या का सबसे सुंदर मार्ग है। यहाँ पर वहाँ से थोड़ा आगे आए तो यहाँ पर कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है, यानी एक एक पार्ट को अलग अलग इसमें लाया गया है, उसके बाद इसको सेट किया गया है, उसके बाद बनाया गया है, और अभी ये फिनिशिंग का काम अभी यहाँ पर होना बाकी है। तो ये है धर्मपथ मार्ग, और अब हम सीधे पहुँचने वाले हैं लता मंगेशकर चौक, और वहाँ से आपको दिखाएँगे फिर रामपथ मार्ग कि किस तरीका से बनाया गया है। हम फाइनली पहुंच चुके हैं लता मंगेशकर चौक, ये देखिए कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर डिजाइन बनाया गया है और 20 सूर्य स्तंभ यहाँ पर लगाया गया है, और यहाँ से ठीक आप इस साइड जाएंगे तो आप चले जाएंगे रामपथ मार्ग पर। मैं आपको रामपथ मार्ग भी दिखाऊंगा, और यहाँ पर देखिए भाई यहाँ पर भी पेंटिंग बनाई गई है, यानी लता मंगेशकर चौक पर भी ये आप देख सकते हैं, और धर्मपथ मार्ग पर पूरे ऐसे बनाई गई हैं। और ये है लता मंगेशकर चौक जो कि आपको सामने दिख रहा होगा, और ये बीच में जो है देखिए अभी यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यानी यहाँ पर फूल पौधे लगाए जाएंगे, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर गड्ढे खने हुए हैं, और ऐसे पूरे पर जो है धर्मपथ मार्ग पर लगाए जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए इस प्रकार को आपको दिख रहा होगा। और ये ठीक सामने है लता मंगेशकर चौक, और उसी के उस साइड है राम की पैड़ी, और अगर आप इस साइड से जाएंगे लेफ्ट साइड से तो आप रामपथ पे जाएंगे। और अब हम बिना देर करते हुए आपको दिखाते हैं रामपथ मार्ग कि रामपथ मार्ग को कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है। देखिए धर्मपथ मार्ग का व्यू कैसा लग रहा है भाई, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। 20 सूर्य स्तंभ यहाँ पर भी लगाया गया है, और इसी के ठीक सामने देखिए ये है लता मंगेशकर चौक, अगर आप इस साइड से जाएंगे तो आप रामपथ पे चले जाएंगे, यहीं से रामपथ मार्ग स्टार्ट हो जाता है, और आपको दिखाऊंगा, और यही पथ भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ को जोड़ता है, तो मैं वो भी है ये, यहाँ से हम आगे चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक तरह की कॉमन कोर्ट बिल्डिंगें और एक तरह की दुकानें बनाई गई हैं, और रामपथ को भी काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है, यानी कि सजाने का जो है काम इस पर किया जा रहा है। और ये देखिए ये है रामपथ मार्ग, और इस रामपथ मार्ग पर
और यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि एक तरह से डिजाइन आपको राम पथ मार्ग पर देखने को मिलेगी, तो एक तरह से यहाँ पर दुकानों पर बोर्ड भी आपको मिलेगा देखने को। ये देखिए एक ही तरह के बोर्ड आपको देखने को मिलेगा राम पथ मार्ग पर, ये आप देख सकते हैं। और ये है सीधे राम पथ मार्ग, ये आप भाई देख सकते हैं। और इसी के थोड़ा आगे जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तुलसी उद्यान, और यहाँ से बस थोड़ा ही दूर पर भक्ति पथ मार्ग है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी जो है राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के सजाया जा रहा है। और इस राम पथ मार्ग पर जो देख सकते हैं काम अभी जो है चल ही रहा है। और यहाँ पर आपको धर्म से रिलेटेड यहाँ पर आपको ये झंडे मिल जाएंगे, ये देखिए जो कि कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। और ये देखिए बिल्डिंग जो कॉमन कोर्ट बिल्डिंग बनाई गई है एक ही तरह के लग रहे हैं, और बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर को काफ़ी पेंट कर दिया गया है, और बगल में फुटपाथ बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। और बस इसी के थोड़ा ही आगे भक्ति पथ मार्ग है, जो कि आप वहाँ से हनुमानगढ़ी जा सकते हैं, सीधे मार्ग है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं भाई इस बिल्डिंगे में जो है बनाई गई है डिजाइन, यानी फूल पौधे पेंटिंग की गई है कितना सुंदर तरीके से, ये आप देख सकते हैं। और ये है राम पथ मार्ग, कहीं कहीं जो बचा हुआ है बिल्डिंग वो अभी बन रहा है, और शटर में आपको धर्म से रिलेटेड ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। यानी कहीं पर स्वास्तिक बनाया गया है, कहीं पर शंख बनाया गया है, हर एक दुकान में आपको शटर में देखने को मिलेगा। और जगह जगह पर ऐसे मैं बता दूं कि यहाँ यात्रियों को बैठने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप बैठ सकते हैं। और बीच में जो है भगवान श्री राम और बजरंगबली के पोस्टर लगाए गए हैं, जो कि देखने के बाद आपको आकर्षित करने वाला है। तो देखिए ये है राम पथ मार्ग, लता मंगेशकर चौक से हम थोड़ा आगे आए। अब यहाँ से अगर आप जाएंगे सीधे तो आप राम जन्मभूमि मंदिर आप यहाँ से भी जा सकते हैं। और ये है भक्ति पथ मार्ग, यानी कि आप यहाँ से भक्ति पथ मार्ग स्टार्ट हो जाता है, आप हनुमानगढ़ी सीधे इस मार्ग से चले जाएंगे। तो ये मार्ग मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना सुंदर तरीके से इसकी तैयारियाँ की गई, इसको सजाया गया है। ये देखिए भाई धर्म से रिलेटेड आपको यहाँ पर शटरों में एक तरह के आपको डिजाइन देखने को मिलेगा धर्म से रिलेटेड यहाँ पर। और ये देखिए कॉमन कोर्ट बिल्डिंग है, और ये है भक्ति पथ मार्ग। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि लाइट बहुत सुंदर लगाई गई है, जो राम पथ, धर्म पथ और जन्मभूमि पथ उससे भी बेहतरीन यहाँ पर लाइट लगाई गई, सबसे अलग, ये आप देख सकते हैं। और ये है भक्ति पथ मार्ग अयोध्या का, जो सीधे आपको हनुमानगढ़ी ये मार्ग लेकर जाएगा। और ये ठीक सामने राजद्वार मंदिर है, और यहाँ से ठीक सामने आप देखेंगे इस साइड तो ये हनुमानगढ़ी है, यानी कि ये सीधे आपको हनुमानगढ़ी ले जाएगा। और यहाँ से थोड़ा आगे आप सीधे चले जाएंगे तो आप राम जन्मभूमि जहाँ मंदिर निर्माण हो रहा वहाँ पर चले जाएंगे। तो मैं उस मार्ग का आपको अपडेट देता हूँ, चलता हूँ दिखाता हूँ राम जन्मभूमि पथ कि किस प्रकार से राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के तैयारियाँ की जा रही हैं। तो देखिए भक्ति पथ मार्ग से सीधे हम आए राम जन्मभूमि पथ मार्ग, ये है प्रवेश द्वार जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसका मेन गेट, यानी कि यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो सीधे आप मंदिर चले जाएंगे। तो इस जन्मभूमि पथ का काफ़ी तेज़ी से निर्माण चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं सीधे आपको दिखाता हूँ कि इस पर कितना कार्य हुआ, यानी कि लगभग से काम कंप्लीट हो गया है राम जन्मभूमि पथ का। ये है राम जन्मभूमि पथ, यहाँ से बस 500 मीटर दूरी पर राम मंदिर निर्माण हो रहा है, यहाँ से श्रद्धालु जाएंगे तो सीधे राम मंदिर चले जाएंगे, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से इस पथ का भी निर्माण किया गया है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से व्यवस्था भी दी गई है, यानी निःशुल्क लाकर सेवा हेल्प सेंटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये है राम जन्मभूमि पथ, और जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया धर्म पथ मार्ग, फिर राम पथ मार्ग, उसके बाद भक्ति पथ मार्ग, और ये है जन्मभूमि पथ मार्ग, यानी कि यहाँ से सीधे आप जाएंगे तो राम मंदिर। तो आगे चल रहा हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ राम मंदिर तक कि कितने सुंदर तरीके से इस पथ का भी निर्माण किया गया है, और अभी किया ही जा रहा है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ा बनाया गया है इस जन्मभूमि पथ मार्ग को, ये आप देख सकते हैं। यानी कि और यहाँ पर ऊपर देखिए भाई बैठने वाला काफ़ी यहाँ पर बना दिया गया है, यानी धूप हो तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, बरसात हो, और ऐसे दोनों साइड से दीवार पर डिजाइन बनाई गई हैं, ये आप देख सकते हैं पूरे मंदिर के आकार में जैसा कि लग रहा है, और ऐसे दोनों साइड से ना, ये आप देखिए
और बात करें यहाँ की, जो पत्थर लगाया गया है राम मंदिर में, वही पत्थर इसमें भी पथ में भी यूज किया गया है, ये आप देख सकते हैं। और देखिए राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के अभी इस पथ पर काम चल ही रहा है, यानी कि एक ग्रिल यहाँ पर लगाया जा रहा है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर डे नाइट काम चल रहा है, ये आप देखिए। और ऐसे जो आपको दिख रहा है ये पूरे मंदिर तक जो है वहाँ तक बनाया गया है, ये देखिए यहाँ पर डिजाइन जो है इसे पूरे वहाँ मंदिर तक बनाया गया है। और यहाँ पे बात करें साफ़ सफाई की तो बहुत अच्छी यहाँ पर साफ़ सफाई होती रहती है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पत्थर आपको दिख रहा है ये पत्थर राम जन्मभूमि पथ में पूरा लगाया गया है, और जहाँ पर अभी नहीं लगाया गया है वहाँ पर अभी लगाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और वहाँ से थोड़ा आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक निःशुल्क लाकर सेवा मिल जाएगी, यहाँ पर अगर वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो तो आप यहाँ पर भी जमा कर सकते हैं। और यहाँ से ठीक सामने राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ये जो सामने आपको एक बड़ा मंदिर दिख रहा है ये है अमावा मंदिर, यहाँ निःशुल्क भोजन दिया जाता है। और यहाँ से ठीक सामने राम मंदिर निर्माण हो रहा है, यहाँ से अपना फ़ोन वगैरह ले जाना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मना है, ये आप देख सकते हैं। और कितना भीड़ लगा हुआ है यानी कि श्रद्धालुओं की, और यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से निर्माण हो रहा है, यहाँ पर यानी कि रूम बनाया जा रहा है, चेक इन यहाँ पर होगा, बैग वगैरह अपना जमा कर सकते हैं, उसके बाद जो श्रद्धालु आएंगे। तो ये थी धर्मपथ मार्ग की, रामपथ मार्ग की और जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ की सारी अपडेट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में ऐसे ही मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या राम।